क्या नाम है आपका? नैनी शोर चौहान। नैनी? नैनी शोर चौहान। नैनी शोर चौहान। आप ही पढ़े? हाँ। कितना पढ़े? बीए। बीए की? हाँ। तो जॉब करते हो? नहीं, खेती करते। खेती करते? हाँ। कितनी खेती है? तो 7 बीघे है। 7 बीघे है। वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं मांगों को लेकर, तो किसानों की बात जायज है या सरकार कह रही है सही है? किसानों की। किसानों की जायज? ठीक। पवार साहब आप क्या कहो? नहीं नहीं, किसानों की जायज है, तो हम पूरे समर्थन करते किसान आंदोलन को। आपका क्या नाम है? रमेश अधिक। रमेश अधिक? अधिक। हाँ। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। तो आप फिर वो किसानों से सहमत हो? किसानों से सहमत है ना, सरकार के कानून से नहीं? नहीं नहीं, किसानों से। वो तो किसानों के लिए है। हाँ? किसानों के लिए है कानून, तो हम भी किसान है चलना। अच्छा। मानते नहीं हूँ। नहीं। तो आपका क्या नाम है? प्रवीण चौहान। प्रवीण चौहान। चौहान साहब आप कितना पढ़े? बीए। बीए क्यों? बीए फाइनल। अच्छा, तो आप फिर आप हैं सहमत सरकार से? नहीं। कोई एक तो होना चाहिए। नहीं। आप? संतोष उबाली। संतोष जी, संतोष जी आप कितना पढ़े हो? बीए फाइनल किया मैंने। आपने बीए फाइनल किया? नमस्कार, क्या नाम है आपका? ऋषिकेश केकाने। कहाँ से है? विंचूर निपार तालुका, नासिक से। नासिक से। कितना पढ़े हो? अभी ग्रेजुएशन पूरा हो गया है। ग्रेजुएशन? खेती है? खेती है। आपका? हम अतुल कतकड़े। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से। इकट्ठे? इकट्ठे आए, साथ में आए। किसान आंदोलन कर रहे हैं कानूनों के खिलाफ, 3 कानून बनाए सरकार ने, तो आप कानून के हक में हो? हाँ, कानून के हक में, किसानों के हक में। किसान कानून के नहीं? कानून के नहीं। अभी तो कहते कानून के हक में, और मुँह से निकल गया। कल वो सुना है तुम भाजपा की झोली में जा बैठे। अब कौन? हम। अंकल जी, बस एक ही गलती हुई थी आज से 8-10 साल पहले, जो पहली बार बीजेपी को वोट डाल दी, उसके बाद वो पहली वोट थी और उसके बाद कभी वोट डाला नहीं। किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ। किसानों के साथ हो या कानून के साथ? किसानों के साथ, हम तो किसान हैं। कानून के साथ नहीं हो ना। वो कानून तो क्या चल रहा है उनको उनको ही मालूम है अभी तो। ऐसी बात। आप किसके साथ हो? किसान के साथ। किसान ही के साथ आप मानते हो? हाँ, कानून सही है? नहीं, कानून ये तो गलत बात है, हर कानून सही है ऐसा नहीं है। कुछ कानून अपने लिए बनाने हैं, अपने लिए तोड़वाने हैं, लेकिन कानून सबके सबको सही लगता है तो ये कानून बनेगा, नहीं तो कानून कानून के लिए हम नहीं है। जो नए कानून आप इससे सहमत नहीं है? किसानों से? किसानों से। आप किससे? किसानों से। किसानों से? हाँ। सतेंद्र, तुम? हम तो किसान के साथ ही हैं, खुद किसान है, किसानों के साथ ही है। ऋषिकेश विजय लगड़। कहाँ से हैं? हम पुणे से। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से। कितना पढ़े हो? हम ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट है? हाँ। बीए किया? हाँ, बीए किया है। तो आंदोलन चल रहा है किसानों का। हाँ। तो सरकार ने कानून बनाया है किसानों के लिए। हाँ। तो तुम कानून को सही मानते हो या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको? किसान आंदोलन कर रहे इसको ही हम सही मानते हैं। सही मानते? हाँ। आप किसको सही मानते हैं? नहीं, किसान नहीं चाहता तो नहीं नहीं चाहिए ना वो। हाँ। आपका क्या कहना है? हम भी किसान हैं, किसानों के ही साथ रहेंगे। आंदोलन जो सरकार ने करा उनके साथ नहीं? नहीं। आपका क्या कहना है? किसान ही सही है, हम किसान हैं तो किसान के साथ रहना चाहिए। अगर किसान ही किसान के साथ नहीं तो क्या फायदा? नहीं है जी? हाँ, किसान ही किसानों के साथ नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ना। हम अगर इतना पढ़ के भी खेती करने वाले तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा ना। रवि जी, तो पिछली बार आए थे तुम किसानों के साथ है जी, और पिछली अब हमें पता चला कि तुम पलट के अब सरकार के साथ हो गए। नहीं जी, कैसे हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। नहीं मान? नहीं जी। अब पिताजी कहेंगे तो? नहीं जी, पिताजी तो मेरे से पहले किसान आंदोलन में जा चुके हैं जी। क्या नाम है? राहुल तांबे। राहुल तांबे। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। अच्छा, वो आंदोलन चल रहा है किसानों का, तुम्हारे वहाँ भी चल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। अच्छा, तुम वो किसानों के साथ हो या कानून के? किसानों के साथ हो। कानून के साथ नहीं? नहीं। क्यों? अभी किसान किसान है हम। किसान के साथ ही हो? किसान हो? किसान। आप किसके साथ हो? कानून के साथ हो? किसान के साथ। किसान के साथ? हाँ जी। हाँ। सरकार के कानून को नहीं मानते? नहीं मानते सरकार के कानून। आपका क्या नाम है? सुनील जी। सुनील, आपका क्या नाम है? ओंकार थेटे, महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। मैं किसानों के साथ हूँ क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। खुद ही किसान जी। अंकल जी, ये पढ़े लिखे किसान है, हम लोग सुन रहे हैं न्यूज में कि लोग बता रहे हैं कि ये अनपढ़ आदमी उधर बैठाए हुए हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं, बीएससी की हुई है, एमबीए की हुई है, ये वो लोग किसान हैं जो पढ़े लिखे हैं, और वो बोलते हैं कि उनको पढ़ना आता नहीं किसानों को, तो ये कैसे बता रहे हैं कि ये गलत है? और ये बीए वाले जो
जो बोल रहे हैं शायद उन्होंने बीए या एमए नहीं की होगी, उनको नहीं पता ये बिल क्या है, पर इनको जरूर पता है ये बिल क्या है। क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन, मोहन कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, पहली बार? पहली बार। वो आंदोलन चल रहा है किसानों का, हाँ? तो वो आंदोलन किसानों के साथ हो या कानून के साथ में? किसानों के साथ है। कानून के साथ नहीं है? क्या नाम? उत्तम। उत्तम, हाँ। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से। तो आप फिर कानून के साथ हैं किसानों के साथ? नहीं, किसान से ही दे चलता है। आपका शुभ नाम? सुरेश निकम। सुरेश निकम, तो सुरेश जी आप फिर कानून के साथ में? कानून के साथ नहीं, हाँ। हम किसान के साथ है। हनुमंत जाधव। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। तो कानून की बात करेंगे किसानों की? किसानों की बात करेंगे। हमको देखे तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम किसान है, किसान की बात करेंगे। आपका क्या नाम? हम मोहन निकम, महाराष्ट्र में। आप कानून सरकार के साथ चलो? नहीं चले। कानूनों के साथ? नहीं, किसानों को। किसानों के साथ, हाँ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर भरत माने। डॉक्टर भरत, डॉक्टर ने की? हाँ, वेटरनरी। अच्छा, तो पूरा ज्ञान रखते हैं? हाँ, ज्ञान रखते। तो इनकी मदद की आपने? हाँ, मदद की है। तो बात है, इन लोगों की करोगे या कानून की करोगे सरकार? नहीं नहीं, किसानों के साथ करूंगी। किसानों नहीं, इन लोगों की। सब लोग मत के आए हुए हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं, मन बना के आए कि किसानों की बात? नहीं, किसानों की। आपका शुभ नाम क्या है? तेजस। हाँ जी, तेजस। कितना पढ़े हैं तेजस जी? मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ है। आपका शुभ नाम? योगेश। योगेश जी, आप कितना पढ़े हैं? 15वीं पढ़े, बीए। बीए किया हुआ। आपका शुभ नाम? पुष्पक रांगलाली सर। पुष्पक रांगलाली जी सर, तो पढ़े लिखे हो? हाँ जी। कितना पढ़े हो? बीकॉम कंप्लीट है। बीकॉम किया जी सर। तो सीए नहीं बनोगे सर? अब देखो, आगे बन जाए तो गौर उठाओगे? हाँ, उठा लेंगे सर। आपका शुभ नाम? राहुल पारा सर। राहुल पारा जी। तो आप किसानों के साथ रहोगे या वो सरकार की बात? दोनों के साथ। सरकार सही नहीं है? सही सही है सर, किसान भी सही है। किसान भी सही। तो फिर आप, फिर विवाद कहाँ है? विवाद बीच के लोगों का है, बीच में जो डिस्टर्ब करते हैं उनका। उन लोगों का, उनका। नमस्कार। नहीं, नमस्कार। क्या नाम आपका? समीर जाजू। समीर जाजू। जाजू, हाँ। कितना पढ़ा? ग्रेजुएशन किया है। पहले ये बताओ, वो आंदोलन चल रहा है किसानों का, हाँ। तो सरकार ने कानून बनाए हैं, हाँ। तो आप कानूनों से सहमत है किसानों के साथ? कानूनों से सहमत है। कानूनों से सहमत, सहमत है, क्योंकि तो कानून समझ में ही नहीं आया अभी तक, तो खाली जो बोल रहे हैं उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो कौवा कान ले गया तो पीछे दौड़ लिया, हाँ, बस वैसे दौड़ रहे हैं। कानून पहले समझ के लेना चाहिए, फिर किसानों के, हाँ, हित में ही है वो। अगर वो ठीक से जानकारी ले तो पता चले, मतलब कि सरकार जो है सही है अपनी जगह। आपका क्या शुभ नाम है? सचिन शाह। सचिन शाह, आप कानूनों से सहमत हैं? सरकार से। सरकार से सहमत है, सरकार जो कर रही ठीक कर रही है, बिल्कुल जो कानून बनाया सही है। सही है, तो किसानों के हित में है। हित में ही है वो, आगे जाके हित में है, लेकिन किसान समझ नहीं रहे। पिछली बार जब हम आए थे आपके पास, हाँ जी, तो हमने पूछा था कि वो किसान आंदोलन चल रहा है, हाँ जी, तो सरकार ने कानून बनाए हैं जी, आप किसानों के, किसान कहते हैं कानून गलत है जी, ज्यादातर पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा में, और बाकी स्टेटों के भी सब आ रहे हैं जी। तो किसानों का कहना है कि गलत है, सही है, सरकार कहती है कि नहीं ये बहुत फायदेमंद, फायदेमंद। आपका क्या कहना है? देखिए, हम पॉलिटिक्स में तो नहीं है, लेकिन हम रोज किसानों के साथ ही रहते हैं, तो किसानों की बात सुननी चाहिए सरकार को। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, इस चीज़ का सलूशन जल्दी निकलना चाहिए, और ये झगड़े में तो कुछ नहीं रखा, सरकार को भी समझना चाहिए। और अगर सरकार अच्छी बातचीत करती है किसानों से, तो किसानों को भी आपस में दो इस चीज़ का मिलजुल कर जो भी निकलता है सलूशन निकाल लेना चाहिए। क्या कहना है आपका? किस चीज़ में? वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो सही है या सरकार सही है अपनी? नहीं, किसान सही है वैसे तो। किसान सही है? वो तो किसान का ही, हम भी किसान है, किसान है, किसान सही ही होता है। सरकार सही नहीं? नहीं, सरकार का नियम सही नहीं है। जो अभी जो सरकार ने जो अभी नियम बनाया है वो सही नहीं है। अच्छा, हाँ, किसानों के, हाँ भाई, तुम किसानों के साथ है सरकार? किसानों के साथ हैं हम तो। हम भी किसान के साथ हैं। आंदोलन चल रहा है सरकार का जी, तो सरकार ये कहती है कि सारे किसान जो हैं, हाँ जी, जो आंदोलन करता है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनसे सहमत नहीं है। अच्छा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप, हम आंदोलन से सहमत है? सहमत है आंदोलन से, सहमत है। सरकार, किसान ठीक है? किसान ठीक है? किसान, किसान ठीक है, ठीक है, किसान के साथ है? किसान के साथ है, हम तो किसान के साथ है। अच्छा रवि, अच्छा, पिछली बार तुमने क्या, किसान को कानून नहीं चाहिए? किसान के लिए तो कानून किया है, लेकिन किसान को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना।
सरकार ने जबरदस्त नहीं ठोकना चाहिए वो कानून। हाँ मैं भी सहमत हूँ इसी बात। हाँ चोपड़ा जी। हाँ जी। कहाँ से? ये बॉम्बे से जी। मुंबई से। महाराष्ट्र। हाँ, क्या नाम है? महबूब। महबूब का कितने पशु रखते? 350 है। पहले ये बताओ सभी लोग, आप लोग किसानों के साथ में या भारत सरकार के साथ में? किसानों के साथ में। केंद्रीय सरकार के साथ में नहीं हो? किसानों के साथ। कानूनों के हक में हो, खिलाफ हो? खिलाफ है। खिलाफ हो, नहीं मानते हो। आपका क्या नाम है? अक्षय नाम। अक्षय कितना? हाँ। पढ़े? मैं फार्मेसी पढ़ा हूँ। डी फार्मेसी। डी फार्मेसी कर। हाँ। तो बढ़िया बात है। हाँ। तो किसानों के साथ हो सरकार? किसानों के साथ हूँ। अच्छा आप? सागर कोल्हापुरी। सागर कोल्हापुरी। मारूफ जम्मू राजौरी से। जम्मू से? जी सर, राजौरी से। सर सरकार के साथ? हम तो किसान हैं तो किसानों के साथ। आप भाई? किसानों के साथ। किसानों के साथ? आप है किसान के साथ। सब किसान? किसान के साथ। आप भी? अब सरकार के साथ। सरकार के साथ हो? हाँ। किसान गलत है? किसान गलत नहीं बता रहे। हाँ। सरकार भी सही है, किसान भी गलत। किसान भी सही है। आपका क्या कहना है? किसान के साथ। किसान के साथ है, सरकार के साथ नहीं है? सरकार के साथ में सत्य है, पर किसान सच बोल रहा है। किसान सच बोल रहा है भाई साहब। आपका क्या कहना है? हम तो सरकार के साथ। आप सरकार के साथ है? सरकार सही है। सरकार सही है, किसानों मट्टे सही। किसान गलत है? किसान की अच्छी थोड़ी भूल है। भूल है? नेपाल सिंह जी। जी वो बात भारत सिंह की करते हैं हम जी। वो किसान आंदोलन कर रहे जी। हैं तो सरकार ने कानून बनाए हैं जी। किसान मानते नहीं हैं जी। तो आप ना मानने वालों में मानने वालों में? नहीं, वो किसान नहीं मान रहे वो अच्छी बात है। सरकार को मानना चाहिए किसानों की बात। सरकार सभी की बात सुनती, किसानों क्यों नहीं सुनती? सुनना चाहिए सरकार को। हाँ जी आप बताइए, वो जो कानून बनाए हैं, तीन कानून बने हैं, तो बहुत से किसान सहमत नहीं, आंदोलन कर रहे हैं। ठीक। तो आपको मालूम है? हाँ हाँ। तो आप किसानों के साथ देंगे या सरकार के कानूनों के साथ देंगे? देखो हमारा तो उधर चलता कुछ नहीं। अच्छा बिल्कुल हमारा कुछ नहीं चलता है। हाँ बोलेंगे तब भी ना है, ना बोलेंगे तो तब भी हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। आपका क्या कहना है? हाँ, अगर किसानों के ऊपर कुछ किया जाएगा तो वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मजदूर होते हैं। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का खर्चा मतलब बढ़िया होता है। किसानों को दिन भर मेहनत करके मतलब अपना खर्चा लेना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट उनके साथ अच्छा करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका क्या कहना है? जी किसानों के साथ में है सर। वो सरकार के साथ में नहीं? नहीं है सर। आपके तो भाजपा की सरकार है। नहीं है सर, बनाई थी भाजपा की सरकार, अच्छे के लान है, गलत कर रही सर जी। आपका क्या कहना है? देखो जी किसान अन्नदाता है। हाँ। किसान किसानों की बात सरकार को माननी चाहिए। माननी चाहिए? माननी चाहिए, किसान अन्नदाता है। आपका क्या कहना है? हम तो जी किसानों के समर्थन में हैं, क्योंकि किसान हमारे भारत के अन्नदाता हैं। गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ जी, मोदी जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, हम दिन रात खेतों में मरते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं है हमने उनको चुना है या वोट दिए है, तो ये तो नहीं भी हमारा हक खोले वो। हमारा हक खोने का कोई अधिकार नहीं उनका। ठीक है जी, तो मोदी जी जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप लाइन में से निकल के चले गए? जी तो किसानों के हक में नहीं, इसलिए किसानों के हक में। हक में? हाँ जी। तो फिर चले गए फोन आ गया।